हेलो फ्रेंड्स दिस इज सी अतुल मित्तल ऑथर ऑफ द बुक क्रक्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी फॉर आई एस फिलिम्स एग्जाम फ्रेंड्स आज हम देखेंगे आरबीआई ने फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट है वो रिलीज की है फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट है ये सिक्स मंथ में रिलीज होती है बाई एनुअल रिलीज होती है सिक्स मंथ में पिछली रिपोर्ट जुलाई दो में आई थी अभी जनवरी दो में छः महीने बाद आई है सिक्स मंथली ये रिपोर्ट है ये जो रिपोर्ट है आर रिलीज करता है और ये जो है ये कलेक्टिव असेसमेंट है ऑफ सम कमिटी ऑफ फाइनेंशियल स्टेबिलिटी एंड डेवलपमेंट काउंसिल देखिए फाइनेंशियल स्टेबिलिटी एंड डेवलपमेंट काउंसिल होती है जिसकी मीटिंग होती रहती हैं उसकी एक सब कमिटी भी बनी हुई है तो पहले हम देखते हैं फाइनेंशियल स्टेबिलिटी एंड डेवलपमेंट काउंसिल क्या है देखिए मिनिस्टर ऑफ फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ फाइनेंस इसका चेयर पर्सन होता है फाइनेंशियल स्टेबिलिटी एंड डेवलपमेंट काउंसिल का और इसके मेंबर कौन होते हैं सेक्रेटरी सेक्रेटरी है मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस में काफ़ी सारे डिपार्टमेंट होते हैं ज्यादातर डिपार्टमेंट के सेक्रेटरी होते हैं कॉर्पोरेट अफेयर के सेक्रेटरी है वो इसके मेंबर होते हैं इसके अलावा इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी जो मिनिस्ट्री है उसका जो सेक्रेटरी है वो इसका मेंबर होता है और फाइनेंशियल सेक्टर रेगुलेटर फाइनेंशियल सेक्टर रेगुलेटर्स उनके चेयरमैन जो है वो इस कमेटी के मेंबर होते हैं फाइनेंशियल सेक्टर रेगुलेटर्स कौन होते हैं आर सभी जानते हैं सेवी स्टॉक एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया आई इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया पी एफ पेंशन रेगुलेटरी डेवलपमेंट इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्राफ्सी बोर्ड ऑफ इंडिया इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर अथॉरिटी है जो गांधीनगर गुजरात में गवर्नमेंट ने एस्टेब्लिश की है तो ये फाइनेंशियल सेक्टर रेगुलेटर्स है इनके चेयरमैन भी इस कमिटी के मेंबर होते हैं फाइनेंशियल स्टेबिलिटी एंड डेवलपमेंट काउंसिल के ये क्या है मीटिंग करती रहती है और जो फाइनेंशियल स्टेबिलिटी की जो इंडियन इकोनॉमी है फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रहे तो उस पर इनका डिस्कशन चलता है तो एक तरह से जो फाइनेंशियल सेक्टर रेगुलेटर्स है उनमें कोऑर्डिनेशन बना रहे इंटर कोऑर्डिनेशन के लिए और फाइनेंशियल सेक्टर के डेवलपमेंट के लिए ये कमेटी काम करती है इसकी एक सब कमेटी है इसका चेयरमैन होता है आरबीआई गवर्नर सब कमेटी का चेयरमैन होता है वो आरबीआई गवर्नर होता है और मेंबर होते हैं ये सारे मेंबर होते हैं तो फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट है वो कलेक्टिव असेसमेंट है सब कमेटी ऑफ फाइनेंशियल स्टेबिलिटी एंड डेवलपमेंट काउंसिल तो फ्रेंड्स अब हम डिटेल में देखते हैं कि फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट कहती क्या है फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट कहती है कि जब कोरोना हुआ तो गवर्नमेंट का मेन टारगेट क्या था कि फाइनेंशियल सेक्टर जो है फाइनेंशियल सेक्टर पर उसका कम से कम इम्पैक्ट पड़े तो इसके लिए गवर्नमेंट ने किया किया इंटरेस्ट रेट कम की काफ़ी सारे फाइनेंस फिजिकल पैकेज दिए आर ने भी काफ़ी सारे मोनिट्री पैकेज दिए मोनिट्री पॉलिसी रिड्यूस की इंटरेस्ट रेट कम की अब गवर्नमेंट का फोकस क्या है पेंडेमिक कंट्रोल हुआ अब गवर्नमेंट का फोकस है रिकवरी पर तो देखिए फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट में आया कि जो बैंक्स हैं उन्होंने बैंक की परफॉर्मेंस देखी बैंक की परफॉर्मेंस जो है वो हम किसके बेसिस पर देते हैं एक तो कैपिटल एडुकेसी रेशियो कैपिटल एडुकेसी रेशियो क्या हुआ इम्प्रूव हुआ जो पिछली रिपोर्ट आई जुलाई में और अब रिपोर्ट आई है इंप्रूव हुआ है कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो रिटर्न ऑन एसेट ये भी इंप्रूव हुई है बैंक की रिटर्न ऑन इक्विटी ये भी इम्प्रूव हुई है इक्विटी का मतलब जो शेयर होल्डर रिटर्न ऑन कैपिटल जो शेयर होल्डर पैसा लगाते हैं उस पर क्या रिटर्न है रिटर्न ऑन एसेट का मतलब टोटल जो एसेट है उस पर क्या रिटर्न है, रिटर है क्या वो भी इम्प्रूव हुई है इसी तरह ग्रॉस एन पी ए और नेट एनपीए रिड्यूस हुई है ग्रॉस एनपीए जो है वो रिड्यूस हुई है नेट एनपीए वो भी क्या हुई है रिड्यूस हुई है ग्रॉस एनपीए में से अगर हम प्रोविजन हटा दें जितना बैंकों ने प्रोविजन बना लिया लोन के अंगेज जो बैड लोन है उनके आगे जो प्रोविजन बना लिया उसको लेस कर दें तो क्या आता है हमारा नेट एनपीए आता है नेट एनपीए भी क्या हुआ है रिड्यूस हुआ है तो देखा जाए तो बैंक की जो परफॉर्मेंस है वो इंप्रूव हुई है इसी तरह प्रोविजन प्रोविजन प्रोविजनिंग कवरेज रेशियो जो प्रोविजन है वो भी इंप्रूव हुआ है प्रोविजनिंग कवरेज रेशियो भी इंप्रूव हुआ है तो देखिए बैंक की परफॉर्मेंस इंप्रूव हुई तो लगा कि यार बैंक अच्छा कर रहे हैं सब कुछ अच्छा कर रहे हैं लेकिन फाइनेंशियल सेक्टर रिपोर्ट कहती है ये जो बैंक की परफॉर्मेंस ये जो इंप्रूव हुई है दिस इज बिकॉज ऑफ किस वजह से इंप्रूव हुई है कि जो रिलीफ पैकेज जो गवर्नमेंट ने आर ने जो रिलीफ पैकेज अनाउंस किए थे उसकी वजह से ये परफॉर्मेंस इंप्रूव हुई है कैसे देखिए आपने कहा कि जो बैंक ने लोन दिए थे बैंक को वो लोन क्लासिफाई करने होते हैं स्टैंडर्ड असैड में सब स्टैंडर्ड असेट में तो आरबीआई ने क्या किया मॉरिटोरियम दे दिया देखिए कोई भी असेट एनपीए कब बनती है जब 90 दिन ओवरड्यू हो जाए 90 डेज आपने लोन लिया अगर आज आपको इंटरेस्ट पे करनी थी आपने नहीं की और 90 दिन तक पे नहीं की तो 90 दिन के बाद वो लोन क्या हो जाता है एनपीए हो जाता है तो बैंक को उसके लिए क्या करना पड़ता है प्रोविजन करना पड़ता है जब आरबीआई ने मॉरिटोरियम दे दिया कि आप जो इंस्टॉलमेंट है हाउसिंग लोन ई एम आई है टर्म लोन ई एम आई है वर्किंग कैपिटल लोन है उसकी इंस्टॉलमेंट है उस पर मॉरिटोरियम दे दिया या आपको छः महीने तक आप मॉरिटोरियम ले सकते हो पे नहीं करना तो आर तो बैंक क्या है बैंक की जो असेट थी वो सारी क्या स्टैंडर्ड असेट थी अच्छी असेट थी बैंक उनको क्लासीफाई नहीं कर पाई तो बैंकों ने प्रोविजन नहीं बनाए प्रोविजन नहीं बनाए तो बैंक की क्या हुई असेट इंप्रूव हुई जो रिस्क एडजस्टेड असेट है जिसके बेस पर कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो निकलता है बैंक की सारी असेट क्या अच्छी हुई जो बैंकों ने लोन दिए थे इसी तरह आरबीआई ने क्या रीस्ट्रक्चरिंग का ऑप्शन दिया कंपनियां डूब ना जाए तो आप क्या कर सकते हो रीस्ट्रक्चरिंग कर सकते हो लोन को तो लोन रीस्ट्रक्चर हुआ इसकी वजह से एनपीए कम हुए एनपीए कम हुए प्रोविजन कम बनाने पड़े बैंकों को तो बैंकों का क्या हुआ सारे इंडिकेटर जो परफॉर्मेंस इंडिकेटर है वो सारे इंप्रूव हुए तो फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट कहती है कि जैसे ही रिलीफ पैकेज जो है इसका पीरियड खत्म होगा जब रिलीफ पैकेज रोल्ड बैक होंगे तो ये सारे इंडिकेटर जो है ये सारे इंडिकेटर जो है वो जो इंप्रूव हुए हैं वो सब नेगेटिव आने के चांस है यानी आपका जो ग्रॉस एनपीए जो रिड्यूस हुआ था ये बढ़ जाएगा नेट एनपीए बढ़ जाएगा प्रोविजनिंग कवरेज रेशियो जो अभी आप कह रहे हो इंप्रूव हुआ है आपको ज्यादा प्रोविजन बनाने पड़ेंगे ज्यादा प्रोविजन बनाओगे तो आपकी रिटर्न कम हो जाएगी और कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो भी आपका डाउन होगा तो आर एक दूसरा क्या है कि बैंकों पर प्रेशर आएगा कि भाई इकोनॉमी जो है इकोनॉमी को रिकवर करना है बैंकों पर प्रेशर आएगा कि आप लोन बांटिए लोन दीजिए ग्रोथ को आपको सपोर्ट करना है इंडियन इकोनॉमी की ग्रोथ को सपोर्ट करना है तो आर ने क्या किया बैंकों को कहा कि आपका जो प्रॉफिट आ रहा है ना आप इसको डिविडेंड डिक्लेयर नहीं कर सकते हैं आप डिविडेंड डिक्लेयर नहीं कर सकते जो 2020 का मार्च 2020 में जो प्रॉफिट आया है बैंकों को बोला है कि आप इस पर डिविडेंड डयर नहीं कर सकते आपको क्या करना है आपको एसेट क्वालिटी को रिव्यू करना है कैपिटल का बफर बनाना है जिससे कि जब ये रिलीफ पैकेज रोल बैक हो तो एकदम से जब शॉक लगेगा जब आपके एकदम से एनपीए बढ़ेंगे तो बैंक डूब ना जाए बैंक अपने पैरों पर खड़ा रह सके तो इसलिए फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट वार्न कर रही है बैंकों को कि आप क्या है कि जो आपके इंडिकेटर अच्छे आ रहे हैं आप फ्यूचर को देख के चलिए जैसे रिलीफ पैकेज रोल बैक होंगे तो आपके सारे इंडिकेटर नेगेटिव हो जाएंगे तो आपको इसको ध्यान में रखना है ध्यान में रखते हुए आपको क्या करना है अपने बिजनेस मॉडल को चेंज करना है क्रेडिट रिस्क को ध्यान में रखना है और आपको प्रोविजनिंग बनानी है आपको कैपिटल जो है कैपिटल स्टॉक आपको क्रिएट करना है और देखिए तो ये फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट है दूसरा ये फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट में एक चीज और दी हुई है आपने देखा होगा कि जो नेशनल इनकम के एस्टिमेट आए हैं नेशनल इनकम के जो एस्टिमेट आए हैं तो क्वार्टर वन में माइनस में ग्रोथ रेट रही थी ट्वेंटी थ्री पॉइंट नाइन परसेंट और क्वार्टर टू में रही थी माइनस में सेवन पॉइंट फाइव परसेंट रही थी ग्रोथ रेट और जो दो हजार बीस इक्कीस के दो हजार बीस इक्कीस की जो एनुअल ग्रोथ रेट है जो ग्रोथ रेट है वो माइनस में सेवन पॉइंट सेवन परसेंट रहेगी तो देखिए ये जो ग्रोथ रेट है ये क्या है धीरे धीरे करके इम्प्रूव हो रही है क्वार्टर वन में माइनस में ट्वेंटी पॉइंट ट्वेंटी थ्री पॉइंट नाइन परसेंट ही लेकिन अगर आप स्टॉक एक्सचेंज देखोगे स्टॉक एक्सचेंज में बी सेंसेक्स देखोगे बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का बी सेंसेक्स तो बी सेंसेक्स मार्च तेईस दो हजार बीस को जब लॉकडाउन लगा था उस समय करीब छब्बीस हजार पहुंच गया था छब्बीस हजार पॉइंट और आज की डेट में करीब उनचास हजार पाँच सौ पॉइंट है करीब 90 परसेंट इंक्रीज हुआ है बी सेंसेक्स लेकिन क्या ग्रोथ रेट इस हिसाब से है इकनॉमी की नहीं है तो आर का कहना है फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट में कि स्ट्रेस्ड वैल्यूशन ऑफ फाइनेंशियल एसेट स्ट्रेस्ड वैल्यूशन कि ये जो बी सेंसेक्स है वो तीस कंपनियों का है तीस जो फाइनेंशियली साउंड कंपनीज हैं तीस कंपनियों का बी सेंसेक्स है जो फाइनेंशियली साउंड कंपनी है उसके बेसिस पर सेंसेक्स निकलता है तो कह रहे कि ये जो कंपनी है इनका वैल्यूशन जो है स्ट्रेस्ट वैल्यूशन है जो इकोनॉमी की ग्रोथ रेट के अकॉर्डिंग नहीं है नाइनटी परसेंट ग्रोथ रेट है यहां पर तो देखिए सेंसेक्स बढ़ता कैसे है ये थर्डी कंपनी को हम बोलते हैं ब्लू चिप कंपनी इसमें सारे सेक्टर की कंपनियां होती है जैसे बैंकिंग सेक्टर की एस बी है ऑटोमोबाइल सेक्टर की मारुति है आई सेक्टर की टीसीएस इंफोसिस है सीमेंट में अल्ट्रा ट्रैक है तो हर सेक्टर की कंपनी है इसमें तीस कंपनियों का ये सेंसेक्स है देखिए होता क्या है मार्केट में लिक्विडिटी इतनी ज़्यादा है इकोनॉमी क्या है धीरे धीरे रिकवरी कर रही है अब देखिए दूसरा ये रिपोर्ट कहती है कि बैंक का जो क्रेडिट ग्रोथ है क्रेडिट ग्रोथ है क्रेडिट ग्रोथ है वो फाइव परसेंट है लेकिन डिपॉजिट की ग्रोथ है डिपोजिट ग्रोथ है वो टेन परसेंट है यानी फ्यूचर की अनसर्टेनिटी है तो लोग ज्यादा पैसा बैंकों में जमा कर रहे हैं जबकि बैंक लोन पांच परसेंट ही दे पा रहे हैं बैंक के पास भी लिक्विडिटी है कोई लोन नहीं ले रहा क्योंकि मार्केट में अनसर्टेनिटी इतनी ज्यादा है अगर आप देखोगे तो देखिए आप देखोगे तो मॉल्स मॉल्स देखिए आप अगर मॉल में जाओगे तो आप देखोगे कि कितने कितनी भीड़ है कितना क्राउड है जो पहले हो, होता था मॉल्स में दुकानों पर कोई कस्टमर नहीं है इसी तरह टूरिज्म इंडस्ट्री है बहुत ज्यादा इंपैक्ट पड़ा है टूरिज्म पर एविएशन इंडस्ट्री है फ्लाइट सारी कैंसिल है तो अभी भी मार्केट पहले जैसी पोजीशन पे नहीं आया है तो बैंकों के पास लिक्विडिटी बहुत ज्यादा है इसी तरह क्या है कि फॉरेन में बहुत सारी कंट्रियों में इंटरेस्ट रेट नेगेटिव हो गई है एक परसेंट या दो परसेंट है तो फॉरेन इन्वेस्टर्स भी इंडिया की तरफ देख रहे हैं तो क्या कर रहे हैं फॉरन इन्वेस्टर्स इंडियन कंपनियों में पैसा लगा रहे हैं तो देखिए जो ये तीस कंपनी है तो देखिए हर कोई चाहता है जैसे हर कोई है हम कहते हैं भाई मेरा बच्चा डी में पढ़े सारे बच्चे डेली पब्लिक स्कूल में पढ़ेंगे तो वो तो ऑबियस है कि भाई उसकी तो क्या वैल्यूसन बढ़ेगी और उसकी फ़ी इंक्रीज होगी तो वही चीज़ है हर कोई चाहता है मैं रिलायंस में पैसा लगाऊं एचडीएफसी में पैसा लगाऊं इनका फ्यूचर बहुत ब्राइ, ब्राइट है वैल्यूशन कैसे होता है हम देखते हैं कि यार ये कंपनी जो है ना ये अगले दो साल में हजार करोड़ से पांच हजार करोड़ बढ़ सकती है इसका फ्यूचर बहुत ब्राइट है तो हम उसमें पैसा लगाते जाते हैं उसका मार्केट वैल्यूशन बढ़ता जाता है जैसे आपने देखा होगा कि फ्लिपकार्ट ने सोलह बिलियन डॉलर शायद मुझे ध्यान है सोलह बिलियन डॉलर में फ्लिपकार्ट को बेचा था वॉलमार्ट को फ्लिपकार्ट का वैल्यूशन हुआ था आजकल स्टार्टअप तो आर बी आई का कहना ये जो स्ट्रेस्ड वेल्यूशन है जब ये क्या है जब ये बबल जो है ये जो बलून है जो गुब्बारा जब ये फटेगा ना जो स्ट्रेस्ड वेल्यूशन हो रहा है तो इसका इम्पैक्ट किस पे आएगा इसका इम्पैक्ट जो आएगा वो बैंकिंग सेक्टर पे आएगा बैंकिंग एंड बैंकिंग एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जो लोन दे रहे हैं उस पर आएगा क्योंकि सारे कुछ इंटरकनेक्टेड है बैंक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन कॉर्पोरेट हाउस सब कुछ इंटरकनेक्टेड है तो ये जो स्टेस्ड वैल्यूशन है इससे जो रिस्क है फाइनेंशियल सेक्टर को इस पर बैंक को फोकस करना है इसी तरह ये रिपोर्ट कहती है कि धीरे धीरे जैसे आप देख रहे हो आरटीजीएस पहले एनई एफ था आप एक अकाउंट एक से दूसरे अकाउंट में पैसा ट्रांसफर करते थे तो उसका टाइम था कि सुबह आठ से रात के आठ तक तो एक साल पहले ट्वेंटी फोर आवर ट्वेंटी फोर इंटू सेवन हो गया था चौबीस घंटे के लिए और सातों दिन हफ्ते में इसी तरह अभी बैंक ने दिसंबर में आरटी जी एस बी ट्वेंटी फोर बाई सेवन कर दिया है आरटीजीएस होता है दो लाख से ऊपर के ट्रांजेक्शन के लिए आरटीजीएस भी ट्वेंटी फोर बाई सेवन कर दिया है इसी तरह आप देख रहे हो कि सारा कुछ डिजिटल हो रहा है तो डिजिटल बैंकिंग को बढ़ावा देने के लिए बैंकों को क्या करना है आईटी टी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी आईटी पे फोकस करना है साइबर सिक्योरिटी आईटी टी प्लेटफॉर्म इस पर फोकस करना है इस पर इन्वेस्ट करना है जिससे कि लोगों का कॉन्फिडेंस बना रहे तो फ्रेंड्स ये फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट है इसी तरह ये रिपोर्ट कहती है कि जो इंडियन रुपी है उसकी वैल्यू भी बढ़ी है इंडियन रुपी स्ट्रेंथ हुआ है क्योंकि देखिए यू डॉलर है इकोनॉमिक रिसेशन चल रहा है तो डॉलर की डिमांड कम है तो डॉलर की वैल्यू कम हुई है और दूसरा क्या है कैपिटल इन्फ्लो इंडिया में आ रहा है इसकी वजह से रुपी क्या हुआ है एप्रिसिएट हुआ है और दूसरा क्या है कि जो गवर्नमेंट है गवर्नमेंट का जो रेवेन्यू है गवर्नमेंट का रेवेन्यू है वो क्या हुआ है डाउन हुआ है जब कंपनियों की हालत ख़राब है कंपनियां लॉस में जा रही हैं तो गवर्नमेंट के पास टैक्स कहाँ से आएगा हालांकि आपने देखा होगा रिसेंट मंथ में जीएसटी कलेक्शन बढ़ा है तो जीएसटी तो इनडायरेक्ट टैक्स है लेकिन डायरेक्ट टैक्स तो जब आएगा जब कंपनियों का प्रॉफिट होगा तो जी गवर्नमेंट का रेवेन्यू डाउन हुआ है और गवर्नमेंट के ऊपर प्रेशर है किसका प्रेशर है फिजिकल स्टूमुलस गवर्नमेंट को क्या करना है खर्चा करना है इकोनॉमी को कंजम्पशन बढ़ाने के लिए खर्चा करना है इकोनॉमी को रिवाइव करने के लिए तो गवर्नमेंट पे पैसा नहीं है तो आपने देखा होगा रिसेंट में गवर्नमेंट का मार्केट बोरोइंग प्रोग्राम करीब बारह लाख करोड़ हो गया ये गवर्नमेंट इस साल बारह लाख करोड़ रुपये मार्केट से बोरो करेगी आपने देखा होगा गवर्नमेंट बॉन्ड इश्यू हो रहे हैं तो गवर्नमेंट मार्केट से बोरो करेगी और बैंक क्या है इसको ये सेफ हैवन है बैंक क्या करेंगे इसमें एक्सेस जो लिक्विडिटी उसको पार करेंगे तो जो प्राइवेट सेक्टर है प्राइवेट सेक्टर को पैसा मिलने की भी प्रॉब्लम होगी अगर गवर्नमेंट का मार्केट ब्रोइंग प्रोग्राम इस तरह से चला तो प्राइवेट सेक्टर को फंडिंग में दिक्कत आएगी उनको पैसा मिलने में दिक्कत आएगी इसके अलावा फ्रेंड्स फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट तो यही इम्पोर्टेंट पॉइंट है फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट में ये रिपोर्ट जो है इससे आपको ये बस सीखना है कि फाइनेंशियल सेक्टर में क्या क्या चीज़ें आती हैं ये एक आपकी जनरल नॉलेज के लिए है हालांकि इसमें से कोई क्योंकि देखो छः महीने बाद ये जुलाई में आएगी नई रिपोर्ट उसमें फिर सिचुएशन चेंज हो जाएगी तो ये आपकी नॉलेज के लिए है कि फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट होती क्या है इसमें क्या क्या चीज़ें आती है तो थैंक यू फ्रेंड्स आपको क्लास पसंद आई हो आप हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कीजिए और आप बुक जो है वो आई एस सेल्फ स्टडी डॉट कॉम से डाउनलोड कर सकते हैं थैंक यू फ्रेंड्स